इन दोनों को कंबाइंड क्या बोला जाता है? बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों के लाइफ को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए आप, मतलब हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या हो जाए, ऑब्टेन हो जाए। तो आप लोगों के पास मैक्सिमम तर कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं। कौन से? ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो ऑब्टेन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से या जो भी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या है, रिलेटेड है। तो उसमें 80-90% क्या है, आप लोगों के लाइफ से रिलेटेड है। मीन ये आपके लाइफ को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, ये थर्ड नंबर पीरियड जो है ये आप लोगों के बुक में गिवन है। तो आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये आप लोगों के पास है टिपिकल एलिमेंट। क्या? टिपिकल एलिमेंट्स। ये अपने बाकी ग्रुप के मेंबर्स की प्रॉपर्टी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं ये एनामलस बिहेवियर क्या करते हैं? शो करते हैं। एवरी फर्स्ट मेंबर ऑफ इस ग्रुप शोज एनामलस बिहेवियर, पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ बिलीम, या एनामलस बिहेवियर ऑफ बिलीम हम आगे डिस्कस करेंगे। आप लोगों के बुक में क्या है? गिवन है। ठीक है, अच्छा, इनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? क्योंकि यहां पर आप लोगों के पास है मेटल्स, यहां पर आप लोगों के पास है नॉन मेटल्स। तो ये कभी इसमें ट्रांजिशन करता है, कभी इसमें करता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, और नॉन मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। तो आप लोगों के पास देखो ये कभी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कभी लूज करता है। आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा है कि नहीं? नीचे वाला गेन करता है, ऊपर वाला क्या करता है? जी, लूज करता है। सर आप लोगों ने सुना है कि नहीं? ऊपर वाला देता है, नीचे वाला देता है। तो ये आप लोगों के पास कभी नॉन मेटल और कभी मेटल्स की तरफ, ये देखो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आप इसके लिए पढ़ोगे आगे, ठीक है? तो ये मेटल, मेटल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आप इसके लिए ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ, तो देखो ये ज्योमेट्री, ऑर्बिटल, ये सब कुछ डिस्कशन हम क्या किस में करते हैं? ऑर्गेनिक, मतलब जो नॉन मेटल से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये कभी इसमें ट्रांजिशन करता है, कभी इसमें ट्रांजिशन करता है, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहां पर ये SNP ब्लॉक एलिमेंट जो है इसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, क्योंकि ये आपके लाइफ को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो यहां पर रखा गया है, ये है S ब्लॉक, लेकिन फिर भी आप लोग, मतलब यहां पर रखा गया है ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज, क्योंकि यहां पर ये क्या है, अपनी प्रॉपर्टीज को क्या कहता है? इसकी तरह शो करते हैं ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, आप लोग के पास देखो हाइड्रोजन यहां पर रखा गया है, हालांकि नॉन मेटल है। ये सब के सब आप लोग के पास मेटल है, लेकिन ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ड्यू टू